की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। सभी देशवासियों एवं गायत्री परिजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह हमारी आज़ादी की वर्षगांठ है। हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने एवं देश के शिरोमणि लोगों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। ऐसी वीरांगनाओं, देश के महापुरुषों को मेरा शत शत नमन। आज हम आपके सामने एक ऐसे महापुरुष का वर्णन करने जा रहे हैं जो इस सदी के बहुत बड़े नायक हैं और इस सदी में वो युग ऋषि के नाम से विख्यात हैं। जी हाँ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में श्री राम मत के नाम से जाना जाता था, या इन्हें आज़ादी का मतवाला भी कहा जाता था। ये ऐसे मतवाले थे जिनका नाम सब बहुत अच्छे देशभक्तों में एक था। श्री राम मत ने अपने समय में बहुत बड़े बड़े राजनैतिक लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, स्वरूप रानी, नेहरू, गांधी जी और विनोबा जी जैसे क्रांतिकारियों से कंधा मिलाकर साथ दिया। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जैसे कि हम सभी अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पर हर जगह हर घर में तिरंगा लहराएंगे फहराएंगे, इसी तिरंगे का श्री राम मत जी से बहुत गहरा संबंध है। तो आइए श्री राम मत जी की एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी को सुनाती हूँ। एक बार की बात है, हाथ में तिरंगा लिए हुए श्री राम मत जी एक रैली में जा रहे थे। उनके मुंह से केवल तीन ही शब्द निकल रहे थे, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद। इसी का नारा लगाते हुए वो जा रहे थे। कांग्रेस से अंग्रेजों की बटालियन ने उनके ऊपर हमला कर दिया। कुछ लोग तो डर के भाग भी गए, लेकिन श्री राम मत नहीं डरे, वो नहीं भागे, वो हाथ में तिरंगा लिए रहे, खड़े रहे। जब डंडों और कोड़ों के मार खाते खाते उन्हें लगा कि अब मेरे हाथ से तिरंगा छूट जाएगा, तो उन्होंने तिरंगा अपने दांत से दबा लिया। जब वो बेहोश हो गए, उन्हें हॉस्पिटल ले गया गया, तो सभी ने देखा कि उनकी दांत में अभी भी एक तिरंगे का एक टुकड़ा फंसा है। ऐसे तिरंगे से प्यार करने वाले ऋषि आत्मा को मेरा सत सत नमन। श्री राम मत ने आज़ादी के बाद के भारत को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया, हमारी दुनिया को नई नई चीज़ें दी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।